110 से ज्यादा ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी आज होंगे प्रमोट। नए साल करीब 47 आईएएस को अलग अलग स्केल में प्रमोशन का तोहफा दिया जाएगा। इस बार 1994 बैच के आईएएस बनेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप प्रकाश, श्रेया गुहा, आनंद कुमार इनमें शामिल हैं। केंद्र में तैनात नरेश पाल गंगवार और रूली सिंह को भी परफॉर्मा प्रमोशन मिलेगा। तो वहीं 5 आईएएस का अबॉव सुपर टाइम वेतन श्रृंखला से मुख्य सचिव वेतन श्रृंखला में प्रमोशन होगा। 2000 बैच की आईएएस मंजू राजपाल बनेंगी सचिव से प्रमुख सचिव। देवाशीष श्री है अभी प्रतिनियुक्ति पर, उन्हें मिल सकता है परफॉर्मा प्रमोशन। और इन दो आईएएस का सुपर टाइम्स अबॉव सुपर टाइम्स स्केल में प्रमोशन होगा। इनके अलावा 10 आईएएस होंगे विशिष्ट सचिव से सचिव पर प्रमोट। 2008 बैच की राजन विशाल, अर्चना सिंह, मोहनलाल यादव, महेंद्र सोनी, विजय पाल सिंह, शैली कृष्णानी, सुषमा अरोड़ा, रश्मि गुप्ता, वतना सिंह भी बनेंगे सचिव। ये चयन से सुपर टाइम वेतन श्रृंखला में प्रमोट हो जाएंगे। सुपर टाइम वेतन श्रृंखला चयन से आईएएस मुक्ताना नगरवाल केंद्र में है, अतः उन्हें परफॉर्मा प्रमोशन मिलेगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर उत्तराज जुट गए। डॉक्टर उत्तराज, शुरुआत नए साल की होने वाली है, लेकिन इससे पहले प्रमोशन का तोहफा मिलेगा, क्या जानकारी है इसको लेकर पूरी? और रात कभी भी ये आदेश जारी हो सकते हैं, और इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित जो तबादला सूची है वो भी जल्द जारी होने की संभावना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सुधांश पंत के नेतृत्व में नई ब्यूरोक्रेसी का ताजगी भरा रूप यहाँ पर सामने आएगा। तो उस हिसाब से और जो ये रूटीन प्रक्रिया है नव वर्ष में प्रमोशन की, तो यह टाइम बाउंड प्रमोशन की जो सूची है वो जारी होगी, और साथ ही साथ जो तबादला सूची वो जारी होगी। इस बार यह साफ देखा जा सकता है कि क्योंकि उमेश मिश्रा ने वीआरएस ले लिया है, तो एक डीजी का पद और रिक्त हो गया है, तो इस डीजी के रिक्त पद के लिए बहुत संभव है कि एक और नया नाम जुड़े और डीजी में एडीजी से डीजी पद पर पदोन्नति एक और अधिकारी की हो सके। तो ये देख सकते हैं, और अब आज कभी भी ये सूचियां जारी हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही नए सीएस का भी आदेश जारी होगा, और बहुत संभावना ये भी मानी जा रही है कि डीजीपी का भी आदेश जारी हो सकता है। स्थायी डीजीपी के लिए यूआर साहू की नियुक्ति का जो औपचारिक आदेश है वो भी हो सकता है, क्योंकि यदि आज आदेश जारी नहीं हुआ तो जो 6 महीने के अंतराल का नियम है, क्योंकि एक डीजीपी के लिए 6 महीने का अंतराल रहना जरूरी है, सेवानिवृत्ति तो 6 महीने पूर्व जरूर रहने चाहिए, 6 महीने रहना चाहिए सेवा में, तो वह नियम की पालना हो सकेगी। तो ये देखने वाली बात होगी, इन तमाम आदेशों की आज प्रतीक्षा है, और ब्यूरोक्रेसी बहुत ही इंतजार कर रही है इन तमाम आदेशों। ठीक है डॉक्टर उत्तराज, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।